दोस्तों आदाब और नमस्कार। मैं आपके साथ हूं वादे के मुताबिक। अगले 30 मिनट तक हम फिर से बात करेंगे। जो बात हमने जहां छोड़ दी थी पिछली बार, साइंस क्या है और उसमें सवालों की, आंकड़ों की, खोज की क्या अहमियत होती है। मैं अपनी बात अगर शुरू करना चाहूं तो यहां से शुरू करूंगा कि एक बार मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मौका जब मिला तो वहां पर उनके पुराने प्रेसिडेंट ताबू मेबेकी, उनको एक कॉन्फ्रेंस में आना था और वहां बात हो रही थी अफ्रीकन आइडेंटिटी की। वहां बात हो रही थी 20 साल में जो कुछ घटा अफ्रीका में उसको लेकर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती थी बहुत बड़ी। और उन्होंने एक लेक्चर दिया जो इनॉगरल लेक्चर था। वो पूरा लेक्चर इस बात के ऊपर था कि अफ्रीकन आइडेंटिटी क्या है, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका ने क्या कुछ किया है, वगैरह वगैरह। और हम अफ्रीकन ये बहुत बार रिपीट हुआ था। मैंने ऑडियंस में से हाथ उठाया, हॉल भरा हुआ था। और जब सवाल का मौका मिला मुझे हाथ उठाने के बाद, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, प्राउड इंडियन हूँ, लेकिन मेबेकी साहब आप मुझे इस अफ्रीकन आइडेंटिटी से, अफ्रीकन होने से सिर्फ इसलिए बाहर ना करें क्योंकि मेरे आबाओ अजदाद लगभग 50-55 साल, 1000 साल पहले यहां से चले गए थे, मैं भी अफ्रीकन हूं। लोगों ने शुरू में इस बात को समझा नहीं, थोड़ा सा वक्त लगा और उसके बाद बहुत सारी तालियां बजी। बात यह है कि हम सब, और साइंस ये मानती है, अफ्रीका से निकले हैं। आदमी का, इंसान का जन्म अफ्रीका में हुआ। ये बात बहुत साफ है, जो जहां मैंने पिछली बार कहानी को छोड़ा था कि लगभग 4.5 या 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा ये सोलर सिस्टम बना, हमारी ये धरती बनी ठंडी हुई, और लगभग 3 बिलियन ईयर्स के आसपास जिंदगी ने जन्म लिया धरती के ऊपर। हम में से हर एक बच्चे को स्कूल में अब पढ़ाया जाता है जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज कहते हैं, कि किस तरह से जिंदगी का उदय हुआ, जिंदगी का जन्म हुआ धरती के ऊपर। शुरुआत में एक कोशिका वाले यानी यूनिसेल्यूलर जानदार बने, वायरसेस की फॉर्म्स बनी पहले, फिर जानदार बने। और शुरुआत में ये ख्याल था साइंटिस्ट का कि ये जन्म लगभग 10 फीट गहरे पानी में हुआ होगा, क्योंकि तब वातावरण ऐसा नहीं था धरती का कि जो जिंदगी को मार देने वाली किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती हैं सूरज से, वो पूरी तरह से हमारे जो कवच है, हवा का जो कवच है, उससे वो मर जाती, यानी जिंदगी पहले जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाती अगर वो धरती के ऊपर जन्म ले रही होती। अगर सूखे में यानी डायरेक्ट सूरज की लाइट पड़ रही होती अगर उसके ऊपर, तो खत्म हो जाती। शायद ये अनुमान लगाया गया है कि 10-15 फीट गहरे पानी के अंदर ये किरणें, इन किरणों से बचाव हो गया होगा तो वहां पर जिंदगी ने जन्म लिया होगा। केमिकल्स मिल करके जिंदगी की पहली फॉर्म्स आई होंगी जो बहुत नाजुक रही होंगी। धीरे धीरे बदलाव आते रहे और ऑक्सीजन बढ़ी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन,
वगैरह वगैरह, धूल के कण, पानी, ये सब कुछ मिलके हमारी धरती के चारों तरफ एक कवच बन गया, एक गिलाफ बन गया, जिसने पूरे सरफेस को ढक लिया, पानी जो समंदरों में इकट्ठा हो गया था उसको भी ढक लिया, और अब जो ओजोन लेयर बनी उसने भी हमको प्रोटेक्शन दिया ताकि जिंदगी बढ़ सके आगे। और इस तरह शुरुआत में पेड़ पौधों ने जन्म दिया, काई ने जन्म लिया वगैरह वगैरह, वो अलग अलग बहुत सारे पीरियड्स हैं जिनको साइंटिस्ट अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। फिर बड़े बड़े जानवरों ने जन्म लिया, जो जिंदगी निकली उसकी अलग अलग शाखें निकलती चली गईं, और ये एवोल्यूशन का प्रोसेस लगभग 3 बिलियन साल से लगातार चलता चला आ रहा है। अब से लगभग 1 करोड़ साल पहले कहीं हमारे आबाओ अजदाद पैदा हो चुके थे, जिनमें गोरिल्ला था, ओरंगुटान था, गिब्बन था, बंदर की अलग शक्लें थी, और चिंपैंजीज पैदा हो चुके थे। लेकिन अभी तक जो जानवर बड़े हमें दिखाई देते हैं वो सारे जो पैर वाले जानवर हैं वो सारे 4 या 4 से ज्यादा पैरों के ऊपर चलते थे धरती के ऊपर। हमारी एक शाख इसी जिंदगी की लगभग 90 लाख साल पहले गोरिल्ला से थोड़ी सी अलग हो गई, और उसके अलग होने में सबसे बड़ी जो तब्दीली आई वो तब्दीली थी कि वो 2 पैरों पर चलना सीख लिया उसने। इसके बाद का थोड़ा सा बात का पीरियड है, इसी पीरियड के आसपास हमने हाथ से कुछ औजार बनाने सीखने शुरू कर दिए, यानी हमारे हाथों की शक्ल भी बदल गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव, जैसे ही हमने 2 पैरों पर चलना और खड़े होना सीखा वैसे ही तरह तरह के बदलाव आ गए जिन्होंने हमको और जानवरों से अलग कर दिया। इसमें एक बड़ा बदलाव यह था कि 2 पैरों के ऊपर चलने में जो टोटल एनर्जी, ऊर्जा जो खर्च होती है किसी जानवर की, वो ऊर्जा कम हो गई, यानी अब हम कहीं ज्यादा देर तक, कहीं ज्यादा दूर तक 2 पैरों पर चल सकते थे। ये एक बड़ा बदलाव था। दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि हम जब 2 पैरों पर खड़े हुए और हमारी आंखें सर के ऊपरी हिस्से से नीचे की तरफ सरकने लगी तो हम ज्यादा दूर तक देख सकते थे, यानी हमारा विजन जो है वो एकदम से बाकी जानवरों के मुकाबले में, परिंदों की बात नहीं कर रहे, उनसे कंपेयर नहीं कर रहे, बाकी और जो 4 पैरों पर चलने वाले जानवर थे उनसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया। दौड़ना सीखना जो था वो उसने भी 2 पैरों पे बहुत मदद दी इंसान के सर्वाइवल में, यानी अब अगर शिकार करना है तो दूसरे शिकार को घेर करके मारना इतना जरूरी नहीं था, उसको थका करके मार सकने की क्षमता पैदा हो चुकी थी। यही पीरियड है जब कभी हमने आग, जो अगर हम अफ्रीका के जंगलों में गए हों, अगर कभी आपने देखा हो या उसके विजुअल्स देखे हों, वहां बड़े बड़े घास के जंगल पैदा होते हैं और वो घास सूख जाती है क्योंकि पानी की बहुत कमी है सब सहारा रीजन में, यानी सदर्न जो हिस्सा है अफ्रीका का वहां पर, और वहां बहुत भयंकर आग लगती है। वो अपने आप कुदरती आग होती है और बहुत तेजी से फैलती है क्योंकि वो घास के बड़े जंगल एकदम से उस आग को फैलाना शुरू कर देते हैं। ये आग बिजली की वजह से भी हो सकती है, और ये आग सिर्फ पानी से गुजरने वाली जो शुआएं होती हैं सूरज की उसमें अगर लेंस बन जाता है तो वो आग को आग लगा दे, वो घास को आग लगा देते। तो ये आग से बचने के लिए भागना, बचना, ये इंसान के लिए आसान हो गया। और जब वो इन इलाकों में जहां आग लग गई और अपने आप बुझ गई वहां लौट करके आया तो खाने की बाकी सब कुछ कमी हो चुकी है,
और खाने की कमी की वजह से कभी कभी उसको माइग्रेट करके करके जाना पड़ा किसी पानी के सोर्स के पास, और कभी कभी उसको वापस लौट के आना पड़ा तो उसके पास खाने के लिए सिवाय भुने हुए गोश्त के, जो इस आग की वजह से उन इलाकों में और जानवरों का फैल गया है, वो उसके अलावा खाने के लिए कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं इंसान ने एक बड़ा स्टेप लिया कि उसने गोश्त खाना शुरू कर दिया। ये जो गोश्त खाना था, इससे पहले तक इंसान शाकाहारी था, लेकिन जब गोश्त खाना शुरू कर दिया तो एक तो खड़े होने की वजह से, दो पैरों में खड़े होने की वजह से हमारे सर का जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, वो बदलना शुरू हो गया। हमारी आगे को निकला हुआ मुंह अंदर जाने लगा, सर में ज्यादा जगह पैदा होने लगी दिमाग की। लेकिन दिमाग को एनर्जी की कहीं ज्यादा जरूरत होती है बदन के और हिस्सों के, अलग अलग हिस्सों के मुकाबले में। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो आई, वो एनर्जी थी हमें गोश्त से मिलना शुरू हो गई, जो हम भुना हुआ गोश्त खा रहे थे, या अगर पानी के इलाकों के करीब थे, भाग करके वहां पहुंचते थे, तो फिर मछली का प्रोटीन हमें मिलना शुरू हो गया। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा हमारी गिजा में बढ़ने लगी, इंसान की गिजा में, जो शुरुआत के इंसान है। अभी इंसान ने पूरी तरह से, जो मॉडर्न इंसान है, उसने पूरी तरह से जन्म नहीं लिया है। शुरुआत में होमोनिन, जो बिल्कुल मतलब इंसान जैसे जानवर थे, उनको पूरी तरह से हम इंसान नहीं कह सकते, वो लगभग 40 साल, 40 लाख साल पहले धरती पर पैदा हो गए। चार ऐसे बड़े बड़े माइग्रेशन है जो दो पैरों पे चलने के बाद हमें दिखाई देते हैं कि अफ्रीका से दुनिया के दूसरे हिस्सों में हुए हैं। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि तीन बड़े ऐसे एक्सोडस हैं, जिन्हें एक्सोडस कहते हैं हमको, या माइग्रेशन कहते हैं उसको, जो अफ्रीका से हुआ है। वहां पर जो हालात थे वो लगातार बुरे होते जा रहे थे आबादी के बढ़ने के साथ साथ। लगभग 35 लाख साल पहले जो स्टोन एज शुरू होती है, जहां इंसान पत्थर से हथियार बनाने शुरू करता है, वो होमोसेपियन की शुरुआती दौर है, जिस शक्ल में हम आज हैं उसके वो बहुत करीब हैं। होमो इरेक्टस 10 लाख साल में इस धरती पर पैदा होते हैं, और लगभग जो मॉडर्न इंसान है, जिसे हम मॉडर्न इंसान कहते हैं, और इनमें माइग्रेशन हो रहा है, यानी अलग अलग स्पीशीज जो है इंसान की, वो माइग्रेट कर रही है और दुनिया के और इलाकों में फैल रही है। लेकिन मॉडर्न इंसान वहां पैदा होता है, और ज्यादातर साइंटिस्टों का ख्याल है, वैज्ञानिकों का ये ख्याल है, जो जेनेटिक मैपिंग वगैरह से पक्का होता जा रहा है, कि पहली थियोरी जो शुरुआत में आई कि हमारा ओरिजिन, हम सब का ओरिजिन, यानी इंसान निकला ही अफ्रीका से है, ये थियोरी जेनेटिक इंजीनियरिंग से कहीं ज्यादा पहले, डीएनए टेस्टिंग वगैरह से कहीं ज्यादा पहले आ चुकी थी। डार्विन के जमाने में ये बात सामने निकल करके आनी शुरू हो गई थी पूरी तरह से, कि इंसान का उदय अफ्रीका में हुआ है और वहां से दुनिया के बाकी हिस्सों में ये जानवर फैला है। पर आज जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और डीएनए टेस्टिंग ने के द्वारा जो जो रिसर्चेस की गई हैं, उसने सिर्फ फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड नहीं, इससे पहले तक सिर्फ फॉसिल्स के ऊपर बेस्ड थियरीज थी, अब उसको ऑलमोस्ट कंफर्म किया है कि हम सब ही अफ्रीका के जंगलों से निकले हैं। माना ये जाता है कि एक सन ट्राइब है जो साउथ अफ्रीका के इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब में शायद सबसे ज्यादा जेनेटिक पूल है वहां पर, और इस वजह से ये माना जाता है कि सारे इंसानों का, लगभग 80% इंसानों का, आ, आ, कहीं ना कहीं रिश्ता उस ट्राइब के साथ है।
ये हमारे साइंटिस्ट मानते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मैं कहाँ से आया हूं, अगर तो ये सवाल कोई पूछे कि मेरे साथ क्या हुआ तो बड़ी अजीब सी चीजें पैदा होती हैं। मैं जो बात कह रहा था शुरू में विवेकी साहब से कि लगभग 55,000 साल पहले मेरे आबा अजदाद अफ्रीका से चले और वहां से निकल करके अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए अलग अलग जगह सेटल होते हुए इस 50,000 साल के पीरियड में हिंदुस्तान पहुंचे। मैं हिंदुस्तान पहुंचा और मेजर जैसे सैकड़ों लोग हिंदुस्तान पहुंचे। मेरा जो वो मैपिंग है जो जोहान्सबर्ग के एक इंस्टीट्यूट ने की थी, वो ये बताती है कि मैं हाप्लो ग्रुप N1B का सदस्य हूं। हमें से ज्यादातर जो आप सुन रहे हैं शायद इसी ग्रुप के सदस्य हैं। मेरे जैसे लोग पाए जाते हैं टर्की में, जॉर्जिया में, लेबनान में, अल्बेनिया में, कैरेबियन कंट्रीज में, यानी यूरोपियन, एशियन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। जो मैपिंग है उसके हिसाब से अगर 10 मार्कर्स पे ना देख करके 7 मार्कर्स के ऊपर देखा जाए तो यूरोपियन, एशियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में मेरी जेनेटिक पूल के लोग मिलते हैं जो कहीं ना कहीं मेरे रिश्तेदार हुए। अगर हिंदुस्तान में देखे जाएं तो सबसे ज्यादा करीबी ताल्लुक मेरा पंजाब के लोगों से है, गुजरात के लोगों से है और कोंकण ब्राह्मण से खास तौर से है। ये रिसर्च माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है मेरा उसकी बेसिस पे किया गया है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को शायद याद होगा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया गया था जिसमें जेनेटिक पूल एक क्रिएट किया गया था दुनिया भर के सारे इलाकों से। उस प्रोजेक्ट से एक बड़े डेटाबेस को बनाया गया था, अब कई और डेटाबेस भी हैं, सिर्फ वही नहीं है। तो वहां से जो रिसर्च बार बार निकल करके आ रही है वो हमें ये बता रही है कि दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान का करीबी रिश्तेदार है। ये कितनी अजीब बात है, ये कितनी अद्भुत बात है। दूसरी तरफ हमारे पास बहुत सारी और कहानियां भी हैं। ये साइंस की कहानी, पर हमारे पास दूसरी कहानियां भी हैं कि इंसान का जन्म कैसे हुआ। हमें बाइबल, कुरान या अब्राहमिक रिलीजन्स बताते हैं कि अल्लाह मियां, गॉड या हुआ थे और उन्होंने जन्नत बनाई थी, वहां फरिश्ते थे, फिर उनको लगा के नहीं कुछ और पैदा करना चाहिए, उन्होंने आदम और हवा को पैदा किया, आदम और हवा से कहा कि ये वाला फल मत खाना, जो बाइबल के अंदर है वो सेब है और जो कुरान के अंदर है वो गंदम या गेहूं है, और उन्होंने ये फल खा लिया। ये बड़ा गुनाह था और इसकी सजा मिलनी थी उन्हें, तो सजा के तौर पर उन्हें धरती के ऊपर फेंक दिया गया, क्योंकि जमीन और धरती और आसमान और सितारे और चांद और सूरज ये सब कुछ पहले ही अल्लाह ने हम बना चुके। तो हम सब यानी इंसान उनकी औलाद है और अल्लाह मियां ने अलग अलग जानवर बनाए ताकि इंसान उनके बीच में रह सके और इंसान को कहा कि वो सबसे ऊंचे दर्जे का जानवर है, अशरफुल मखलूकात, यानी जितना कुछ क्रिएट किया गया है सब सारे क्रिएशन में सबसे उत्तम इंसान है।
ये सेमिटिक रिलीजन कह रहे हैं। हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो जिसको मान्यता दी जाती है और सबसे ज्यादा प्रचलित जो कहानी है वो ये है कि मनु को एक दिन ख्याल आया और उन्होंने अपने सर से ब्राह्मण को पैदा किया, भुजाओं से यानी शोल्डर्स से उन्होंने छत्री पैदा किए, पेट से उन्होंने वैश्य पैदा किए और पैरों से शूद्र पैदा किए। लेकिन इससे ज्यादा पुरानी कहानियां मौजूद हैं। पुरानी कहानियों के लिए हमें ट्राइबल्स में अगर जाएं तो ये दिखाई देता है कि वो तरह तरह से खूबसूरत कहानियों में इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि इंसान, धरती, चांद, सितारे, सूरज ये सब कैसे पैदा हुए। एनिमिस से जो ये बिलीव करते थे कि ये सब देवता हैं, अलग अलग देवता हैं और ये अलग अलग तरह से पैदा हुए। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं कि एक शख्स था जो ट्राइब का नेता था और उसने उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ और उसने एक बार उल्टी की, फिर दो बार उल्टी की और इस तरह से चीजें अलग अलग निकलती रहीं और इंसान भी वहीं से निकला। चाइनीज सिविलाइजेशन में अलग मान्यताएं हैं जिनमें बहुत सारे गॉड्स ने धरती के ऊपर इंसान पैदा किए और खास तौर से चीन को अलग से पैदा किया जो जन्नत का रिफ्लेक्शन है, जो स्वर्ग का रिफ्लेक्शन है। ये अलग अलग कहानियां अगर हम इन्हें देखें और हम फिर साइंस की बात को देखें तो हमें ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जब अफ्रीका के जंगल में इंसान रहा होगा तो उसने जब भी सवाल पूछना शुरू किए, मैं पिछली बार भी ये कहने की कोशिश की थी कि मैंने बहुत रिसर्च करना चाहिए कि इंसान ने सवाल पूछना कब शुरू की। ये इससे रिलेटेड है कि क्या सवाल दूसरे जानवर पूछते हैं? तो मान लेते हैं कि दूसरे जानवर सवाल नहीं पूछते तो इंसान ने कब शुरू किया इस एवोल्यूशन की सीढ़ी को चढ़ते हुए? कौन सा ऐसा बड़ा बदलाव था जिससे कि इंसान ने सवाल पूछने की क्षमता आ गई? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। ये बात जरूर है कि हमारा ब्रेन साइज जो है वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों को प्रोसेस करना, सवाल पूछना, सवालों के जवाब देना, मुश्किल गुत्थियों को सुलझाना, उसके लिए हमारे दिमाग में अलग अलग तरह के खाने से बन गए। यानी दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजों को डील करते हैं, अलग अलग क्षमताएं हमारे अंदर सोचने की पैदा करते हैं। अगर हम देखें तो इंसान का दिमाग, ब्रेन साइज जिसे कहते हैं, वो एकदम से और जानवरों के मुकाबले में तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है। और अगर हम आज के इंसान को देखें तो उसका लगभग 1330 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है। क्या ऐसा हमेशा से था? क्योंकि ये गुत्थी सुलझाने में वैज्ञानिकों को काफी देर लगी है कि इंसान का दिमाग और जानवरों के मुकाबले में अगर बदन के साथ कंपेयर किया जाए हमारे, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अननेचुरली ज्यादा है। पर नेचर हमेशा एनर्जी कंजर्व करता है, यानी इतने बड़े बदन को चलाने के लिए हमें इतने बड़े दिमाग की जरूरत नहीं है जितना हमारा साइज है आज। तो क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो साइंटिस्ट का ख्याल ये है कि हमेशा से ये ऐसा दिमाग हमारे पास नहीं था। शुरुआत के पीरियड में हमारा दिमाग भी लगभग 300 से 500 सेंटीमीटर क्यूब का था जब हम अपनी शाख अलग कर रहे थे चिंपैंजी से, जब हम अलग हो रहे थे चिंपैंजी से। धीरे धीरे ये अगले 2.4 मिलियन ईयर्स यानी 24 लाख साल पहले से 14 लाख साल पहले इस वक्फे में ये लगभग बढ़ करके 600 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया।
और पिछले 4 लाख से 40 लाख 40,000 साल के बीच में, यानी जब मैं कह रहा हूं कि हम निकल करके अफ्रीका से एशिया और इलाकों में फैले, तो उस वक्त ये लगभग 1500 यानी 1500 से 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर तक हो चुका था इसका वॉल्यूम, दिमाग बढ़ चुका था। इसमें अलग अलग हिस्से जिसमें कॉर्टेक्स खास तौर से बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेम्पोरल लोब जो हमारे सर के ऊपरी हिस्से के थोड़ा नीचे इधर की तरफ कहीं होता है, अगर अंदर देखें हम उसे तो मेडुला ऑब्लोंगाटा से जरा ऊपर, वो लैंग्वेजेस को डील करता है, यानी हम हमारी जो भी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग होती है, हम जिस तरह से लैंग्वेज को समझते हैं, बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसको याद रखते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो टेम्पोरल लोब से होती है। इसका साइज एकदम से बहुत बड़ा हो गया था। हमें ये मालूम है कि डिसीजन मेकिंग के लिए अलग एक हिस्सा है दिमाग के अंदर, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म जो है उसके लिए एक अलग हिस्सा है, ये एकदम से बढ़ गया, ये हमें मालूम है। तो कहीं ना कहीं इंसान ने सवाल पूछना और उसके जवाब हासिल करना, सिस्टमैटिकली जवाब हासिल करना सीख लिया था। इसमें एक चीज और समझने की जरूरत है। अभी कुछ ही दिन पहले एक किताब छपी है जिसका टाइटल है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये युवाल नोआ हरारी की किताब, बहुत अच्छी किताब लिखी है। कुछ जगहों के ऊपर मैं उस किताब से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन वो बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। उनकी जो खास थीसिस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो थीसिस ये कहती है कि इंसान ने मिथ्स बनाने शुरू कर दिए, यानी स्टोरीज और कहानियां गढ़ना सीख लिया, और जब कहानियां गढ़ना सीखा और हमारी लैंग्वेज का उदय होना शुरू हो गया, तो यानी बोलियां हमारी शुरू हो गई, आवाजें हमारी शुरू हो गई, तो फिर बड़े ट्राइब्स बनने की क्षमता पैदा हो गई। और उसका आधार था, वो सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे जो उन कहानियों में यकीन रखते थे। यानी जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई कि एक कोई पुरुष था जिसके पेट में दर्द हुआ और उसने उल्टियां करनी शुरू की और एक के बाद एक चीजें निकली, ये एक कहानी, ये अफ्रीका की ट्राइब्स में बहुत मशहूर कहानी मानी जाती थी। तो जो लोग इस कहानी में यकीन रखते थे वो करीब आने लगे, और इस तरह जितनी बड़ी कहानी हुई उतनी ज्यादा लोग एक साथ जीने की क्षमता उनके अंदर पैदा होती। ये बहुत इंटरेस्टिंग अपने अंदर एक हाइपोथेसिस है, जिसके उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं अलग अलग तरह की कहानियों में, कब कब इंसान ने किस किस तरह से यकीन किया। और वो ये कहते हैं कि आज की मॉडर्न एज भी कहानियों के ऊपर आधारित है, और खास तौर से वो कॉरपोरेट सेक्टर की बात करते हैं, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर में कोई कंपनी होती नहीं है, कहीं है नहीं, वो एक सिर्फ ख्वाब है कि एक कंपनी है, वो किसी एक आदमी की कंपनी नहीं है, वो बस कंपनी है, और इसमें सब यकीन रखते हैं कि वो कंपनी मौजूद है। इस तरह से वो अपनी हाइपोथेसिस के लिए बहुत सारे प्रूफ देते हैं, इसलिए वो बहुत किताब इंटरेस्टिंग है। अगर आप पढ़ सकें तो सेपियन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, एक खूबसूरत और अच्छी किताब है, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल अगर हम वापस जाएं तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी ऐसी सोच जो हमारी सामने जो कुछ है हमारी आंखों के उससे ऊपर, ख्वाब देखने की, सोचने की
गढ़ने की चीजें, क्षमता कब इंसान में आती है? तो शायद इसका ताल्लुक सवाल पूछने से हो जाता है। ये क्षमता लगभग, इस पे बहुत विवाद है असल में वैज्ञानिकों में, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि इंसान पेंटिंग्स, जो केव पेंटिंग्स बनाई हैं, वो बना ही नहीं सकता था जब तक ये क्षमता ना आई। इंसान ऑर्नामेंट्स यानी गहने नहीं बना सकता था जब तक ये क्षमता ना आए कि वो सोचे कि मुझे गहना बनाना है। वो बहुत सारे टूल्स नहीं बना सकता था, वो तीर नहीं बना सकता था जब तक ये क्षमता ना आ जाए कि मुझे एक ऐसा तीर बनाना है और वो उसके जहन में शक्ल उभरे और फिर वो उसको बनाने की कोशिश करे। इसको अंग्रेजी जबान में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। तो ये लगभग 130,000 साल पहले इसके कुछ लोगों को प्रमाण मिले हैं। इस पे बहुत झगड़े हैं और अलग अलग जगह अलग अलग साइंटिस्ट मानते हैं। हमारे देश के अंदर भी कुछ प्रमाण निकले हैं और दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं अरावली हिल्स में कुछ एविडेंस निकले हैं जो कहीं ज्यादा पुराने हैं, जो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें इंसान ने बनानी शुरू कर दी थी जो बिना सोचे हुए, पहले बिना अपने दिमाग में डिजाइन किए हुए नहीं बना सकता था। चाइना में इसी तरह से क्लेम किया गया है और दुनिया के और इलाकों में भी क्लेम किया गया है कि कहीं ज्यादा पहले इंसान ने ये गढ़ना शुरू कर दिया। यहां पर मैं आपसे थोड़ा सा डिपार्चर करते हैं। मैंने इतनी लंबी कहानी सुनाई आपको तो समझ में आना मुश्किल होगा कि मैं ये सब कुछ क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं ये चाहता हूं कि आप इमेजिन करें कि आप अफ्रीका के जंगलों में हैं। आप आज से लगभग 2 लाख साल 3 लाख साल पहले दो पैरों पर चलना सीख गए हैं, कुछ टूल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, पत्थर का जमाना है, पत्थर के कुछ हथियार टूल्स आप बनाते हैं, ट्राइब में रहते हैं, किसी गुफा पे या पेड़ों के ऊपर रात गुजारते हैं। जानवरों की सी जिंदगी होगी शायद, ये इमेजिन कीजिए कि आप वहां हैं और जानवरों की तरह हैं, तो आपके चारों तरफ क्या हो रहा होगा? ये सवाल, ये इमेजिन करना आसान काम नहीं। इसलिए मैं यहीं रुक जाता हूं कि शायद हम जानवरों की तरह से अगर जिंदा रह रहे थे अफ्रीका के जंगलों में, सब सहारा रीजन में, तो फिर शायद हम अपनी उन्हीं जरूरतों तक सीमित रहे होंगे जो जानवरों की हो। जानवरों की तीन बड़ी जरूरतें हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं। पहली जरूरत है खाना और पानी की सिक्योरिटी, यानी खाना जरूरी है जिंदगी के लिए और पानी जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं क्योंकि दोनों हमको एनर्जी देते हैं बदन में और जिंदा रख, इनके बिना नहीं रहा। दूसरी जरूरत होगी फिजिकल सिक्योरिटी की, यानी हमारा बदन, हमारी जिंदगी मौजूद रहे, यानी जो जानवर ऐसे हैं जो हमें, हम पर हमला कर सकते हैं, हमें मार के खाते हैं, उन जानवरों से बचना हमारी जरूरत है। किसी भी जानवर की जरूरत है कि वो अपने प्रीडेटर से, जो उसे खाता है, जो उसके ऊपर हमला कर सकता है, उससे बचे। और तीसरी जरूरत है, बड़ी जरूरत है, हमारा नस्ल को आगे बढ़ाना है, यानी मेल फीमेल का मिलना और उससे रिप्रोक्रिएशन होना। ये तीन मेजर जरूरतें हैं जो जानवर की जरूरत है, हमारी भी शायद यही जरूरत रही होंगी। अगर ये जरूरतें थी और हम यहीं तक सीमित थे तो हमारी बोलचाल, हम किस तरह की सोच रखते होंगे, अगर ये क्षमता आ भी गई है कि हम सवाल पूछते हैं और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ भी गई है और हम सवाल पूछने की
कोशिश करते हैं, जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमने किस तरह के सवाल पूछे होंगे? हम खाने के लिए अपनी गुफाओं से, जहां पे हम रह रहे हैं, उससे एक खास डिस्टेंस तक जाएंगे और फिर गुफा में वापस लौट आएंगे। हमें डायरेक्शंस का, हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की जरूरत नहीं है, जो किसी भी जानवर को जरूरत नहीं है। हमारी याददाश्त को इसके लिए काफी है कि हमें जहां तक हमारे कदम ले जाते हैं, जहां खाना हम तलाश करने जा रहे हैं, वहां से वापस लौट के आने की याददाश्त बची रहे। अगर रिप्रोक्रिएशन में कमी आ जाए, यानी औरत मर्द का जो बैलेंस है वो किसी ट्राइब में बिगड़ जाए, या खाने की किसी इलाके में कमी पड़ जाए, या ऐसा हो कि हम प्रीडेटर्स यानी हमें मार के खाने वाले जंगली जानवर, शेर, लकड़बग्घा और बहुत सारे जानवर जो जिंदगी के लिए खतरा हैं हमारी, वो जानवर ज्यादा बढ़ जाएं उस इलाके में जहां हम रहते हैं, तो इन तीन कंडीशंस में से एक भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, जो किसी भी जानवर के लिए होती है। तो अगर हम दो पैरों पर चलते हैं तो हम वहां से माइग्रेट कर जाएंगे, हम वहां से पलायन हो जाएगा हमारा, हम किसी और जगह चले जाएंगे जहां ये तीनों सिक्योरिटीज हमको मिल सके। तो हमारी बोलियां जो होंगी, हम जो सिग्नल्स देंगे एक दूसरे को, जिस तरह से जानवर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह के सिग्नल्स होंगे और हमारी बोलियां वहीं तक सीमित होंगी। लेकिन जैसे जैसे हम टूल्स बनाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे हमें थोड़ा सा मुश्किल बोलियों की तरफ आना पड़ेगा, यानी जो आवाजें हम अपने गले से निकालते हैं, या जो इशारों से हम बात करते हैं, या जो हमारे बदन में और चेहरे के ऊपर जो कम्युनिकेशन के सिंबल्स आते हैं, वो इन्हीं चीजों के चारों तरफ शुरुआत में घूमते होंगे। लेकिन जैसे जैसे हमने टूल्स बनाने शुरू किए, जैसे जैसे हमने पत्थर से काट के तीर बनाने शुरू किए, खाल को साफ करने के लिए चाकू की तरह की चीजें पत्थरों को शार्प करके उनकी एज बना के शुरू किए, या हड्डी को तोड़ने के लिए जिस तरह के टूल हमने बनाए, तो हमारी बोलियां भी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। हमने उन आवाजों का इस्तेमाल शुरू किया अलग अलग चीजों को जाहिर करने के लिए, जिन आवाजों का कोई मतलब पहले शायद नहीं था। तो आवाजों में डिफरेंसिएशन, यानी मैं जोर से चीखूं, एक आवाज लगाऊं, तो मुझे खतरा है, ये मैं दूसरों को बता सकता हूं। अगर मैं खुश हूं, अगर मैं पत्थर ढूंढने जा रहा हूं, अगर कहीं पर मुझे बताना है कि यहां खाना मौजूद है, ये सारी चीजों के लिए अलग अलग आवाजें डेजिग्नेट करनी शुरू की होंगी इंसानों ने, क्योंकि ब्रेन अब प्रोसेस करना शुरू कर रहा है अलग अलग तरह की चीजों को, उसके अंदर क्षमता आ चुकी। ये दोनों चीजें आपस में, इनका बहुत गहरा तालमेल। हम जिस तरह से नई चीजें सीख रहे हैं वो हमारे ब्रेन को बढ़ा रही हैं, और जिस तरह से ब्रेन बढ़ रहा है वो हमें मदद कर रहा है नई चीजें सीखने में। अगर ये सवाल पूछे होंगे कि ये धरती कैसी है, ये ब्रह्मांड कैसा है, तो क्या जवाब मिलेगा हमें? धरती जिसके ऊपर इंसान रह रहा है वो जंगल हैं। अगर किसी ऐसे इलाके में जाता है जहां दूर तक दिखाई दे सके, या ऊपर चढ़ता है टीलों के ऊपर तो दूर तक दिखाई दे सके, तो उसे वो धरती चपटी ही दिखाई देगी, आसमान उसे एक डोम की शक्ल का ही दिखाई देगा। तो शुरुआत में इस सवाल का जवाब कि ये धरती कैसी है, ये आसमान कैसा है, सिंपल जवाब होगा कि धरती चपटी है और आसमान इस तरह से उसके ऊपर ढका हुआ है। इंसान अगर बड़े पानी के सोर्सेस
के करीब रहा होगा या समंदर के करीब रहा होगा, तो उसने सोचा होगा कि धरती पानी पे तैर रही है, यही जवाब मिला होगा। और अगर वो पहाड़ों से घिरी हुई जगह के ऊपर होगा तो उसे लगेगा पहाड़ों के उधर कुछ नहीं है जहां वो नहीं गया। तो ये सवाल कि धरती का आकार कैसा है, चपटा, बहुत आसान जवाब, और ये उसकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा। ये धरती ऊबड़ खाबड़ जरूर है लेकिन ये बाय एंड लार्ज चपटी है, और इसके ऊपर ढका हुआ एक आसमान है। और जब उसने पूछा होगा कि चांद तारे कैसे चलते हैं इसके ऊपर, जो उसने रात को जरूर देखा हो, तो उसने जवाब दिया होगा कि ये जो आसमान है इसमें चांद तारे अपनी जिंदगी रखते हैं, जिस तरह उसके लिए पेड़ पौधे जानवर पानी बादल ये सब अपनी जिंदगी रखते थे। इंसान जैसे अपनी जिंदगी रखता था वैसे ही उसने सोचा होगा कि ये सारे चीजें अपनी अपनी जिंदगी रखती, और ये आसमान के ऊपर चलने वाली जो चीजें हैं वो एक तरफ से जाती हैं पानी में धुलती हैं नीचे से निकल के आ जाती हैं, या पहाड़ के दूसरी तरफ चली जाती हैं और फिर घूम करके एक तरफ से निकल आती हैं। ये एक मॉडल पूरे ब्रह्मांड का, बहुत आसान सा मॉडल था, बहुत खूबसूरत सा मॉडल था, और ये उसकी पूरी जरूरतों को पूरा कर रहा था। यानी जो जरूरतें मैंने जिनका जिक्र किया कि वो अभी जानवर से इंसान बनने में वक्त लगा रहा है तो उसकी जरूरतें बहुत कम है, उसको जानकारी जो चाहिए वो बहुत कम है, और यूजेबल जानकारी जो वो पैदा कर रहा होगा वो भी बहुत कम होगी। तो ये मॉडल उस सारी जानकारी को अंदर समोए हुए, ये मॉडल हमें दुनिया के लगभग सारे हिस्सों में ट्राइब्स की कहानियों में मिलते हैं। शुरुआती दौर में जब सभ्यता का उदय हो चुका है तब भी हमें ब्रह्मांड का यही मॉडल दिखाई देता है। हमारे देश में अभी कुछ साल पहले मैं लगातार कुंभ मेले में जाकर के स्टडी कर रहा था कि लोगों की क्या मान्यताएं हैं साइंटिफिक सवालों को लेकर के, वैज्ञानिक मुद्दों को लेकर। एक बहुत छोटा सेक्शन, बहुत कम परसेंटेज, और जो घटती रही है पिछले 30 सालों में, उसका ये मान्यता थी, आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर के, कि सूरज चांद सितारे पूरब से निकलते हैं पश्चिम में तक जाते हैं और फिर वो घूम करके हिमालय के दूसरी तरफ से वापस चले जाते हैं ईस्ट की तरफ या पूरब की तरफ, और अगले दिन फिर वो निकल करके इधर से आ जाते हैं। ये एक बहुत छोटे सेक्शन की मान्यता थी लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। धरती चपटी है या तो पहाड़ हैं दूसरी तरफ उसके पीछे से छुप के आ रहे हैं, और या फिर समंदर में नहा करके अगले दिन दोबारा से वापस निकल करके आ रहे हैं। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि अगले दौर तक पहुंचते पहुंचते जब इंसान की सभ्यता का उदय होता है, इसकी कहानी को हम अगले लेक्चर में लेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि चांद तारे कैसे और धरती का आकार कैसा है, ये सवाल जब पूछे होंगे तो एक खूबसूरत मॉडल उनके सामने आया होगा जो ट्राइब्स में रहने वाले इंटेलिजेंट लोग रहे होंगे, उन्होंने ये कहानी गढ़ी होगी, ये मॉडल गढ़ा होगा कि धरती चपटी है उसके ऊपर उल्टी छतरी की तरह से, छतरी आज का कॉन्सेप्ट है, उस वक्त का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ ढका हुआ है और कुछ चीजें धरती के ऊपर चलती हैं
कुछ चीजें धरती के ऊपर जिंदगी गुजारती हैं, उगती हैं, बढ़ती हैं, मरती हैं, जिंदा होती हैं, पैदा होती हैं, खत्म हो जाती हैं, और कुछ चीजें हैं जो आसमान में धीरे 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 चलती हैं, ऊपर से वो दूसरी तरफ जाती हैं, घूम करके वापस आ जाती हैं। और ये मॉडल उस वक्त की सारी जरूरतों को पूरा करता होगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल की जरूरत उस वक्त के इंसान को नहीं थी। वक्त काफी हो चुका है, बहुत सारे सवाल हैं, आज की बातचीत यहीं तक रखते हैं। मैं देखता हूं कि आपके कुछ ऐसे सवाल हों जिनको अभी जवाब देना हो तो मैं अभी जवाब देने की कोशिश करता हूं, और जो मुझे नहीं मालूम होगा, सारी साइंस अगर कोई ये कहता है कि उसे मालूम है तो वो आपसे साफ झूठ बोल रहा है। ये समझ लीजिए कि सारी साइंस किसी एक इंसान को नहीं आती, चाहे वो कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। हाँ, हम सारी साइंस समझ सकते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम किसी भी तरह की साइंस को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और बहुत हद तक समझ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेरी गलतियों पे आपको नजर रखनी चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि साइंस में गलती करके ही हम सही रास्ता तलाश करते हैं, साइंस में आखिरी सच की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर सच नए सवालों को जवाब देता है, और फिर वो नए सवाल जब तलाश किए जाते हैं साइंस के पैमाने पर, साइंस की कसौटी पर कसे जाते हैं, तो फिर नए सच पैदा होते हैं। कि इंसान उन जानवरों में से था जो ट्राइब्स में जिंदा रह रहे थे, और ट्राइब में ही वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, ट्राइब्स में ही वो शिकार करते थे, और अभी तक फैमिली का जन्म नहीं हुआ था, बच्चे ट्राइब्स के ही होते थे, कुटुंब जो बनता था वो पूरा का पूरा एक ट्राइब का ही होता था, और अलग अलग हिस्सों में जो माइग्रेशन हुआ है वो भी ट्राइब्स की फॉर्म में ही हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि सारे इंसानों ने अफ्रीका के ये डिसाइड कर लिया हो कि वो अब एशिया की तरफ जाएंगे। तीन बड़े जो माइग्रेशन हुए हैं, उन तीन बड़े माइग्रेशंस में कुछ साइंटिस्ट का, जैसे मैंने कहा, ख्याल है कि चौथा माइग्रेशन भी हुआ है, चार माइग्रेशन हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर मतभेद है, ये भी ट्राइब्स की फॉर्म में हुए हैं, यानी लोग एक वक्त में उठ करके कि आज हमें जाना है, जिस तरह अभी हो रहा है लॉकडाउन के पीरियड में कि सब ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है वापस अपने गांव, ऐसा नहीं हुआ। ट्राइब्स अलग अलग वक्तों पे अलग अलग तरह से मूव करती रही हैं, और जब उनमें के बीच में बाद में टकराव वगैरह हुए हैं वो एक अलग कहानी है। सन ट्राइब जो है ये इसके कुछ सदस्यों को मैंने देखा है, मैं मिला हूँ साउथ अफ्रीका में, इनकी काफ़ी तादाद है, बिल्कुल हॉर्न के एरिया में, जो बिल्कुल नीचे का साउथ अफ्रीकन कंट्री है उसके भी साउथ के एरिया में इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, मेरे कुछ वहाँ पर दोस्त बन गए थे। ये जो होमो सेपियन हैं जिनको हम कहते हैं, और उससे पहले होमोनिड हैं, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, जिनमें नियंडरथल है जो मॉडर्न मैन से पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों में फैल गया था, खासतौर से यूरोप में उनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, तो वहां पर इनका टकराव और कई जगह मिलने का प्रमाण मिला है कि इनकी मिक्सिंग भी हुई है। जो अभी लेटेस्ट रिसर्च कह रही है वो नियंडरथल मैन और मॉडर्न मैन की आपस में मिक्सिंग भी हुई है, जिसकी वजह से हमारे खून में कुछ नियंडरथल मैन की जीन्स मौजूद हैं, ये लेटेस्ट रिसर्च कह रही है। लेकिन ये कि पहले मान्यता थी कि हमने, यानी मॉडर्न मैन ने सारे नियंडरथल मैन को, जो वो बहुत कद उनका ऊंचा होता था, बड़े होते थे, लार्ज होते थे, उनको मार के खत्म कर दिया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दो तीन नहीं कई कैटेगरीज हैं, जब हम गोरिल्ला से ब्रांच आउट होते हैं तो उसके बाद कई स्टेजेस हैं जिनको अलग अलग तरह से परखा जाता है। साइंटिस्ट बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें पैदा कर रहे हैं जो बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी एक
खूबसूरत फिल्म होती है, ये उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितना एक खूबसूरत गाना होता है, ये इतनी खूबसूरत है जितनी एक पोएम होती है, कहानी होती है, किताब होती है, इसमें भी उतनी ही खूबसूरती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आप साइंटिस्ट भी हैं और पोएट भी हैं तो ऐसा कैसे हैं? मैंने कहा दोनों तरफ खूबसूरती बराबर की है, साइंस में खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। हमें पढ़ाई जो जाती है साइंस, वो बहुत बुरी तरह से पढ़ाई जाती है स्कूलों में, यहां मैं आपसे बिल्कुल अग्री करूंगा। कृपया, मैंने कहा मिथ्स का क्रिएशन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ है। मिथ बुरे लफ्जों में आजकल इस्तेमाल होता है, मैं भी करता हूं उसको बुरे लफ्जों में इस्तेमाल, और इस चीज के ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन ये कहानियां ही हैं। इंसान की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये इमेजिन करना कि धरती गोल है, उसके ऊपर कुछ ढका हुआ है, उसमें चीजें चल रही हैं, ये अपने अंदर जो मिथ है, इसने हमारी इस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता को बहुत बढ़ाया है इंसान की। और इसी तरह से हमने कॉम्प्लेक्स चीजें सोचनी शुरू की हैं, जिससे साइंस को बहुत सहारा मिला है आने वाले वक्तों में। अगर ये चीजें हम ना करते, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक ना पहुंचते, तो हम भी दूसरे जानवरों की तरह से तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज थी, जानवरों की ऐसी जातियां और प्रजातियां थी जो इस धरती का वातावरण बदलने की वजह से खत्म हो गई, लुप्त हो गई, चली गई, जिनमें डायनासोर सबसे ज्यादा मशहूर है, बच्चों को सबसे ज्यादा उसके बारे में बताया जाता है, लेकिन लाखों ऐसी प्रजातियां हैं जो इस धरती पे आई, रही, सवार हुई इस खूबसूरत से अथाह समुंदर में खला के तैरते हुए जहाज पर, और फिर वो इसे छोड़ के खत्म हो गई। आज मेरा ये मानना है कि नेचर से इतना खतरा नहीं है इस धरती को, इस खूबसूरत जहाज को, इस ग्लोब को जिस पर हम सवार हैं। सबसे बड़ा खतरा इंसान से है, सबसे बड़ा खतरा उस पागलपन से है जिसने इंसान को प्रॉफिट की होड़ में लगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा समेट लेना, आपस में बांटना नहीं, जंगें लड़ना, ये है बहुत बड़ा खतरा जो पूरी जिंदगी के लिए पैदा कर रहा है इंसान। आगे आने वाली नस्लों को इससे बचना पड़ेगा, हमें इस धरती के ऊपर पीस को लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी होगी, और उसके लिए सबसे पहले सीखना होगा कि हम खुद इंसानों की रिस्पेक्ट करना सीखें। अगर हम इंसानों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, अगर हम दूसरे इंसान को बराबरी का हक नहीं दे सकते, तो फिर हम नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, हम किसी भी प्रजाति की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस वक्त इंसान इस खूबसूरत जहाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपको जो इतनी देर तक मेरे साथ रहे, उन सबको बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं, गुड बाय।